नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने मंगलवार 15 जून को मुंबई के क्रिकेटर अंकित चौहान पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया। बेहद चर्चित 2013 इंडियन प्रीमियर लीग के स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल होने के सबूत मिलने के बाद अंकित चौहान को सभी प्रकार के क्रिकेट खेलने से निलंबित कर दिया गया था। बता दें, चौहान को 2013 में एस श्रीसंत के साथ आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब करीब 8 साल बाद उनके क्रिकेट खेलने का रास्ता साफ हुआ है। लेकिन साफ कहा जा सकता है कि अब 35 साल के हो चुके अंकित चौहान के लिए वापसी की राह आसान नहीं रहने वाली। बता दें, अंकित चौहान के साथ साथ एस श्रीसंत और अजीत चंदेला को भी सजा मिली थी। तीनों ही खिलाड़ी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। मंगलवार 15 जून को बीसीसीआई ने मुंबई के स्पिनर अंकित को सूचित किया कि उन पर लगे आजीवन प्रतिबंध को घटाकर 7 साल कर दिया गया है और इस आधार पर उनकी सजा पिछले सितंबर को ही खत्म हो गई। अंकित चौहान ने प्रतिबंध हटने के बाद कहा, प्रतिबंध हटने के बाद मैं मैदान पर उतरूंगा और खेलना चाहता हूं। मैं मुंबई की टीम में वापसी भी कर सकता हूं। बता दें, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीसीसीआई ने भी श्रीसंत के आजीवन प्रतिबंध को घटाकर 7 साल कर दिया था। श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट में केरल के लिए वापसी भी कर ली है। उन्होंने 2021 के आईपीएल नीलामी में हिस्सा भी लिया था लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। आपको बता दें, अंकित चौहान ने अपने करियर के 18 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। इसके अलावा 20 लिस्ट ए और 26 टी20 मैच खेले हैं। अंकित चौहान ने प्रथम श्रेणी मैचों में 53 विकेट, लिस्ट ए मैचों में 18 विकेट और टी20 मैचों में 19 विकेट लिए हैं। घरेलू स्तर पर भी उनके नाम 2 अर्धशतक और 1 शतक है। आईपीएल में चौहान ने 13 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।